दूसरी बात की साइड से पूछ रहे हो या क्या उनकी साइड लेके पूछ रहे हो क्या? कोई बात नहीं है, उन्हीं के सवाल पूछ रहे हो ना। हम पूरे भारतवासियों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे फेवर में आज कैंडल मार्च निकाला। इस मेरे सारे बच्चों की तरफ से मैं सब सारे भारतवासियों का धन्यवाद करना चाह रहा हूँ भाई, कि उनका उन सब पे मैसेज पहुंच जाएगा। हम उनकी जिस जिसने भी लाइट जलाई है हमारे लिए, हम उनका सपोर्ट मानते हैं पूरे देश में जिसने भी लाइट जलाई है। देखो जी, जो उनने फैसला लिया है हम सब ने मिलकर लिया है तो वो ठीक है, और बाकी हम 21 तारीख का जो है टाइम दिया गया है और हम वेट करेंगे कि क्या फैसला आता है। बिल्कुल जी, 21 तारीख तक जो भी हमारी डिमांड्स हैं, जो स्टार्टिंग से लेकर टिल अब तक रही है, तो हमारी यही सेम डिमांड है और इसी की मांग में हम यहाँ खड़े हैं। अभी विनेश ने दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जो स्टेटमेंट्स है वो रिकॉर्ड नहीं हुई है, लेकिन कुछ कुछ खबरें आ रही हैं कि किसी किसी एथलीट्स ने पुलिस के सामने दिया है स्टेटमेंट, अलग अलग अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, तो क्या है, क्या इसमें कोई डिफरेंस है? कितने एथलीट ने दे चुके हैं अब तक? कितने लोगों ने स्टेटमेंट अभी तक दे दिया है? देखो 161 की स्टेटमेंट हुई है और 164 की होनी अभी बाकी है, जो कि इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। 164 की एक भी लड़की की नहीं हुई है और ये डिले चल रहा है ये दिल्ली पुलिस की तरफ से कि वो आगे पता नहीं क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, आगे क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं, तो अभी तक किसी एक भी लड़की की स्टेटमेंट नहीं हुई है 164। कितने लोगों की 161 है? वो कॉन्फिडेंसली वो चीज़ नहीं बता सकते, पर मैं आपके माध्यम से दिल्ली पुलिस से भी विनती करूँगा कि आप इसमें जल्दी से जल्दी जो बयान दर्ज है लड़कियों के वो करवाए जाए और जो जिस पे एफआईआर हुई है उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। बजरंग भाई, रात दी तो ब्रिजभूषण जी लाइव आए थे और कम से कम आधे घंटे मेरी जनता से बात हुई लाइव आके, वो ये बोल रहे थे कि मैं अब भी गुनहगार हूँ तो मुझे फांसी पे लटका देना। जब हम स्टार्टिंग में जंतर मंतर पे आए थे तब उन्होंने ऐसे बोला था कि कोई भी लड़की सामने आके ऐसे बोल दे तो मैं फांसी पे लटक जाऊंगा। अब वो बोल रहे हैं कि साबित कर दो तो फांसी पे लटक जाऊंगा, तो उनके बयान ही बदल रहे हैं। 7 लड़कियों ने कंप्लेंट्स कर दी है, उसके ऊपर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, वो डिले हो रही है और वो जानबूझ के डिले करवाई जा रही है ताकि लड़कियों को तोड़ा जा सके, डराया जा सके। अपने लेवल पे पुरजोर कोशिश की जा रही है कि कैसे इस केस को रफा दफा किया जाए। साक्षी के लिए मतलब ये बोला एक बाउट के दौरान कि मैंने साक्षी को 4 अंक दिलवा के जितवाया था, वो उनकी गलती थी ना, क्यों दिलवाए थे वो 4 अंक? मतलब ये तो मान रहे हैं गलती करते थे वो? नहीं, वो भी हो गया ना कि वही रेफरी थे, वही जज होते थे रेसलिंग मैट पे, गलती तो मान रहे। और बाकी वो मैच आप लोग उठा के देख सकते हो कॉमनवेल्थ गेम्स ट्रायल्स का, आपको पता चल जाएगा कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं और क्या झूठ बोल रहे हैं, क्या सच बोल रहे हैं, वो तो सबूत है ही ऑनलाइन। और किसी लड़की के साथ तो पक्षपात किया है, और किसी लड़की के अगर हुआ भी है ऐसा तो किसी ना किसी लड़की के साथ उन्होंने किया है ना पक्षपात। हमने तो कभी नहीं उनसे बोला कि हमारी बाउट में फेवर करो मत करो, अगर उन्होंने किया भी है तो दूसरी लड़की के लिए उन्होंने नुकसान ही किया है। उन्होंने खापों के बारे में बोला है कि अगर मैं दोषी मिलूं जांच के दौरान, जांच के बाद जब रिजल्ट आएगा तो जांच तो कराए भाई, जांच ही कराए ना। यही जो ये बताओ ना, आप उनकी साइड से पूछ रहे हो या क्या उनकी साइड लेके पूछ रहे हो क्या? कोई बात नहीं है, उन्हीं के सवाल पूछ रहे हो ना आप। मुझे जूती मार के मेरी हत्या कर दे, हम हत्या नहीं करेंगे, हमारा देश संविधान से चलता है, हम कोई हत्या करने वाले नहीं है, हम गुनहगार नहीं है, हमें न्याय चाहिए। जो हमने लड़कियों की तरफ से जो कंप्लेंट्स गई है उसके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए और बस, हमारा देश संविधान से चलता है, तो यहाँ पे कोई किसी को सजा देना किसी के हाथ में नहीं है। यहाँ पे धन्यवाद।